इनके विरुद्ध जो है मामला पंजीबद्ध था 353 का, जो कि शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट केस में आरोप था, और साथ में 365, 332, 506, 494, 34 धारा लगी हुई है। इस तारतम में आज विधायक टीकमगढ़ को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और चूंकि वर्तमान में न्यायालय में न्यायालय के जो निर्णय होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी ने स्वयं सिलेंडर किया या गिरफ्तारी की? पुलिस द्वारा उन्हें जो अरेस्ट किया गया है, और साथ में जो जब्ती की प्रक्रिया है वो कार्रवाई की गई है, और चूंकि प्रकरण इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गाड़ी भी हाँ जी, हाँ जब्त की गई, गाड़ी जब्त की गई है। पावर्ड बाई NNIS।